भारतीय किसान जथेबंदियों की मीटिंग मुख्यमंत्री पंजाब नाल हुई है इस जगह पर। उहदे विच काफ़ी मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, जिदे चों एक अहम फैसला यह होया असी 40,000 रुपये फी एकड़ नरमा पट्टी विच जिहड़ा नुकसान होया मांग करदे सी, पर सरकार ने मुख्यमंत्री ने मनिया भी 12,000 रुपये तो यह मुआवजा जिहड़ा वधा के 17,000 रुपया फी एकड़ किया जाएगा और ये 10% जिहड़ा वह खेत मजदूरों भी मिलेगा। इस तरह झोने की पेमेंट का मसला चलिया आता, इन्होंने इन्हों के पोर्टल से कोई कमियां ने कुछ नुक्स ने सरकार दी, वो 3-4 दिन के सब कुछ हल करके पेमेंट कर दी जाएगी। तो मंडिया जोड़ा झोना वह एक एक दाणा खरीदने का सरकार ने भरोसा दिता है। इस तरह बहुत सारे किसानों के उत्ते जदों का यह मोर्चा रेलवे लाइनों पर बैठने तो जदों तो यह मोर्चा चलिया है उदों तो हूँ तक बहुत सारे केसिस पंजाब भी दर्ज ने, चंडीगढ़ भी दर्ज ने, होर थावां ते भी दर्ज ने। पंजाब सरकार ने उन्होंने मुख्यमंत्री ने मन्या भी जिन्हें केस पंजाब विच ने वो सारे दे सारे केसिस सानू लिस्ट दिओ, असी सारे वो विड्रा कर लाँगे। ये तो बिना चंडीगढ़ 26 जनवरी नू कुछ केसिस दर्ज होए सी, छब्बी जून उन्होंने केसिस बारे CM ने कहा भी मैं तुहाडे नाल चलांगा, गवर्नर नू मिल के रिक्वेस्ट करांगे भी चंडीगढ़ के केस भी जिहड़े ने वो वापस ले जाण। एक ये भी चर्चा हुई भारत माला अधीन बहुत सारिया हाईवेज पंजाब बन रही हैं, उन्हां च रेट जिहड़ा मुआवजे का अलग अलग जगह एक जिले चों दूजे जिले विच कई वारी वट नाल वट सांझी हुंदी है, रेट का बहुत वड्डा फर्क हुंदा है। मुख्यमंत्री ने मन्या भी इहदे लई कोई पॉलिसी चाहिदी है, जिहड़े हुण तक मुआवजे दे अवार्ड भी होए ने उन्होंने कहा यह भी वापस करा के जिहड़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 28(7) के अनुसार नवें सिरे मुआवजे के केस बनाए जाएंगे और सारे नूं इक सार मुआवजा जिहड़ा किसानां नूं दिता जाएगा। और उन्होंने अपने वल्लों यह भी कहा भी मैं समझदा ये जिहड़ी भारत माला च सड़कां बनाईआं जा रही हैं, एवें जमीना एक्वायर कीतियां जा रही हैं, इहदी लोड़ बहुती है नहीं। कुछ जगह कुछ कंपनियां ने नकली बीज बेचे है, फतेहबाद की एक कंपनी ने बेचिया किसानों को लिख के दिता कि यदा 32 क्विंटल झाड़ होएगा, जो घट होएगा तो असी उसका मुआवजा देंगे, उसकी जांच करा के उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करने का भरोसा दिता है। एक पंच सीड का बहुत सारा बीज कणक का जिन्हों सुसरी लगी हुई सी पंजाब सरकार ने इस सीजन में दिता है, तो उसका कंपनसेशन किसानों को देने के नाल नाल असी डिमांड यह की है कि जिहड़े अफसर ने वो सीड खरीदे है उन्होंने उन्होंने सस्पेंड ना किया जाए, उन्होंने परचा दर्ज करके जेल भेजा जाए। तो ये मुख्यमंत्री ने मनिया कि हाँ उन्होंने परचा दर्ज होएगा। एक बड़ा अहम फैसला जिहड़ा CM ने मनिया किसानों और खेत मजदूरों वास्ते एक पेंशन स्कीम बनाई जाएगी, जिहड़े जिहदे लई उन्होंने कहा तुहाडी सलाह नाल बहुत जल्दी मीटिंग होएगी, उहदे विच पेंशन स्कीम का फैसला किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच असीं कहा कोई टेक्नोक्रैट नूं वाइस चांसलर लाया जाए, उहदे लई उन्होंने हुंगारा भरिया, पर नाल ही बैकडोर राही कुछ दिल्ली वालों के दबाव हेठ रजिस्ट्रार की पोस्ट भरन वास्ते इंटरव्यू कॉल की हुई सी, असी मंग की सी भी RSS के दबाव हेठ हो रहा है, पंजाब की खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी किसानों की यूनिवर्सिटी है, ये कोई टेक्निकल बंदे होने चाहिए है, जे रजिस्ट्रार भर्ती इस तरह कर लिया जिहड़ा कि वाइस चांसलर नूं ही कानूनी तौर पर अधिकार है, जे किसी को एडिशनल चार्ज है वो भर्ती तो कर सकता पर उन्हों फिर बाद ठीक करने वास्ते बहुत वड्डी कानूनी लड़ाई है जिहदे विच उलझ के रह जाएगा मसला। असी उन्होंने कहा इंटरव्यू कैंसल करो, सारिया नवें सिरे एप्लीकेशन मंगो और किसी टेक्नोक्रैट नूं एक्सपीरियंस्ड हैंड नूं रजिस्ट्रार लाओ, क्योंकि उन्हें सारी यूनिवर्सिटी दियां भर्तियां करनियां हुंदियां, ये उन्होंने मन लई और इंटरव्यू कैंसल करने का भरोसा दिता है। एक असी उन्होंने कहा भी जिस तरह पिछले दिन बिजली बोर्ड के भर्ती हुई है उहदे विच 75-80% जिहड़े ने उम्मीदवार वो पंजाब तो बाहरों सिलेक्ट कर ले गए ने, असी उन्होंने कहा भी वो जिहड़ी सिलेक्शन है रद्द करो, पॉलिसी बनाओ 80-20 की रेशो तय करो, 80% जिहड़े ने
वो पंजाब चो भर्ती हो 20% बाहरले कैंडीडेट भर्ती हो भी मुख्यमंत्री ने मन ली और उन्होंने कह भर्ती की असी ओवरऑल पॉलिसी बना जा रहे हैं ताकि 80-20 की रेशो नाल पंजाब दे लोगों नूं पंजाब विच नौकरियों विच जगह मिल सके। करजा माफ़ी बारे असी बड़ा गंभीरता नाल ये मुद्दा उठाया भी तुसी चोणां विच वादा कीता सी हाले तो पूरी भी नहीं कत्ती तुसी वादा कीता सी 90,000 करोड़ माफ़ करन दा ते इहदे बारे दसो तुसी हुण जिहड़े बाकी दे दिन रह गए इन्हां दिनां विच संभव ही नहीं की करोगे? उन्होंने कहा जी मैं तुहाडे नाल छेती मीटिंग करके इहदा कोई हल लभांगा पर असी कहा सी फिर कुरकियां क्यों हो रही हैं लोगों दीआं? उन्होंने कहा कुरकियां करनियां बंद करन दे हुक्म जारी कर देंगे। करजे दे संबंध च उन्होंने कहा जल्दी हफ्ते दे अंदर अंदर मीटिंग करांगे। एक जिहड़े 650 दे करीब किसान शहीद होए ने उन्हां दे परिवारां नूं बहुत 1/3 परिवारां नूं नौकरियां मिलियां ने या मुआवजा मिलिया है उहदे संबंध च उन्होंने कहा सानूं लिस्ट दिओ असीं सारे नूं नौकरी और मुआवजा तुरंत दे देंगे जिहड़ी तुसीं लिस्ट दोगे उन्हां सारे नूं दे देंगे। गन्ने दी पेमेंट 360 रुपये भा मिथे आ सरकार ने 35 रुपये अपने कोलों शुगर मिलों वाले देने नूं दिता असी उन्होंने ये इतराज़ किया भी तुसी इनडायरैक्टली गन्ने की जिहड़ा बेस कीमत है ये 35 रुपये दे के 360 चो 325 ते लिया रहे हो ये सानू मंजूर नहीं। सानू काउंटर ते 360 रुपये कीमत कह के मिलने चाहिए ये नहीं भी 35 रुपये सरकार ने दिता एक बोनस वांगू गिण लो तो 325 रुपये प्राइस 360 कीमत होके वो थले नहीं आनी चाहिए ये उन्होंने मनिया और उन्होंने कहा असी कहा सी भी ये साढ़े नाल टोटले पेमेंट चाहे सरकार ने करनी चाहे उन्हें सानू पूरे 360 मिलने चाहिए। उन्होंने कहा मैं गन्ना मिलों वाले नाल भी मीटिंग करदा ताकि तुहानू पूरी पेमेंट मिल सके और जिहड़े 14 दिन तो लेट पेमेंट करनगे मिलों वाले उहदे ते ब्याज भी किसानों नूं मिलेगा जिस तरह कानून विच प्रावधान है। DAP ते यूरिए की सप्लाई नूं यकीनी बनाउण वास्ते उन्होंने कहा साढ़े कोल 22 नवंबर तक इन्हां DAP ते यूरिए की सप्लाई रेगूलर हो जाएगी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो बिना असी मांग की सी कि जिहड़े सब्जी उत्पादक ने उन्हां दे खेतां विच सब्जियां नूं रात नूं पानी नहीं लग सकदा बिजली दिने सप्लाई की जाए ये भी उन्होंने मंग लिया। लक्कड़ मंडियां दे विच लुट हुंदी है किसानां दी असी कह इहनूं रेगूलेट करन वास्ते बहुत देर पहलां मंडी बोर्ड ने एक्सरसाइज की सी पर उन्हूं लागू नहीं किया ये छेती जो छेती मंडियां रेगूलेट कीतियां जाण ये उन्होंने मंग ली। इस तरह कुछ 500 किसान ने जिन्होंने ड्रिप इरीगेशन के नाँ पर कनैक्शन लए सी उन्होंने बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता किसी 37,000 किसी तो भी वध बिल आ उन्होंने असी क्या उन्होंने एग्रीकल्चर जिहड़ा AP कनैक्शन मन लिया जाए और उन्होंने भी बिजली फ्री दिती जाए ये उन्होंने मंग मन रही। दुध के भाव बारे असी मुद्दा उठाया भी ये घट्टो घट 10 रुपए पर फैट के हिसाब नाल दुध का भाव मिथ्या जाए घट्टो घट 50 रुपए हो जिहड़े सीगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने कोल महकमा है उन्होंने कहा असी छेती इत्थे फैसला लै रहे हैं कुछ सबसिडी पंजाब सरकार देगी उहदे मुताबिक फिर इत्थे फैसला कर लिया जाएगा। ये मंगां ने जिहड़ियां अज दी मीटिंग विच होईयां एक असी 32 दे 32 किसान जथेबंदियां ने फैसला किया सरबसंमति नाल पंजाब विच सर गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणे तो ने वो इत्थे आ के मिशन पंजाब के नाँ ते अपना पोलीटिकल एजेंडा लागू करते हैं। असी स्पष्ट कर देना चाहते हाँ कि पंजाब दीआं जथेबंदियां उन्होंने मिशन पंजाब नाल बिल्कुल सहमत नहीं जो संयुक्त किसान मोर्चे का नाँ लेंदे ने वो गलत लेंदे ने असी उहदे नाल सहमत नहीं उन्हां नाल उही सलूक होएगा जो बाकी पोलीटिकल पार्टियां नाल हुंदा है उस तरह सवाल होणगे उस तरह काले झंडे दिखाए जाणगे जिस तरह बाकी पोलीटिकल पार्टियां नाल हुंदा है क्योंकि साडा एजेंडा नहीं। पिछले दिनों दे विच संयुक्त मोर्चे का तय किया है कि राजनीतिक पार्टियां जिन्ना चिर इलैक्शन का ऐलान नहीं हुंदा वो कोई अपनी चोण रैली करनियां कोई जलसा करनियां तां उहदा विरोध किया जाऊगा काले झंडे लेके तो उन्हां नूं सवाल पुछे जाणगे।
पिछले दिन फिरोजपुर के जिथे हरसिमरत कौर बादल ने आना सी तां उत्थे किसानां ने उहदा विरोध किया। जिहड़ा नन्नू मान है ते नाल जिंदू एम एल ए उत्थों दा साबका नोनी मान, उन्होंने उहदे उपर गड्डी चढ़ाउण दी कोशिश की। तां दूसरे दिन जदों विरोध होया वड्डी पद्धर ते तां उहदे ते इरादा कतल दा परचा तां दर्ज हो गया, पर तिन्नां विच्चों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अज्ज सी एम ने भरोसा दवाया कि वह भगौड़े ने एक दो दिनों के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतुष्ट ना होने की गल जी जो इंप्लीमेंट हो सारिया मंगा चलो वो क्लेम कर दे, साडा मोर्चा जारी है, कुछ मंगा मनिया गई उन्होंने धन्यवाद भी है, पर बहुत सारिया मंगा ने जिड़िया हाले उस तरह खड़ी है जिम्मे करजे की मंग है, असी करजे की मंग तो असी बिल्कुल सहमत नहीं, असी सैटिस्फाइड नहीं। माफी तो आटे चलाउणा जी, उदों तो वध ब्याज हो गया, यह 1,25,000 करोड़ से असल चो भी उदों 90,000 करोड़ गलत कही गए है। करजा कुल पंजाब के किसानों जिम्मे आड़तियों का बैंकों का कोऑपरेटिव का 1,25,000 करोड़ के इर्द गिर्द है, 2-4,000 घट वध इन्ना करजा है, हर रोज़ वध जांदा, वो हर रोज़ ब्याज पै के वधी जा रहा है, होर करजा ले जा रहे ने किसान। जदों तक खेती लाहेबंदी नहीं होएगी करजे की समस्या तो इस तरह रहेगी। मीटिंग करांगे, मीटिंग करके दसांगे असीं की कर सकते हैं, पर सानू पता है असीं उन्हां नूं सवाल कीता सी वी तुहाडे कोल रिसोर्सिज़ की ने कित्थों करोगे, इहदा उन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। एक मिनट जी, इधरों सवाल आया, एक मिनट इधरों सवाल आया भी पेंडिंग मुद्दे किहड़े आ, करजे के सवाल तो उन्हें कहा बेदन बन भी एक मीटिंग द्वारा करांगे, जिहड़े असी मांग की 60 साल तक लेडीज़ तो 65 साल तक मैन बजुर्ग जिहड़े आ मजदूर किसान दस्तकार सारे कारोबारी लोग उन्होंने पेंशन मिलनी चाहिए आ, ता कि उन्होंने बुढ़ापा सौखा लंघ सके, क्योंकि बच्चे विदेशों चले गए बहुत सारे, सामभ संभाल कोई नहीं गा, माण मर्यादा ता ही रही बजुर्ग जो पेंशन हो भी दोबारा मीटिंग होनी है, 3-4 मुद्दे पेंडिंग आ जी, तो दोबारा मीटिंग जल्दी हो जानी है। मीटिंग खुश माहौल में हुई है, चंगे माहौल हुई है, कोई इरीटेशन नहीं हुई, बार बार जी होनी पहले हो चुकी। देखो जी पार्लीमेंट के कानून ने एक दबा खड़ा करने वास्ते तो लाहे बंदा हो सकता हो, पर जो कानून ने तो पार्लीमेंट के रिपील हो गए। उन्होंने साढ़े को मंगया सी भी कुछ लिख के दो, असी जो कुछ उत्थे दिल्ली बहस करते रहे हैं एग्जैक्टली उही कानून की रूह नाल असी उन्होंने एक नोट भेजा सी, वो तो बद के उन्होंने कहा भी असी सगों ये भी पास कर दिता भी पंजाब सरकार नूं पंजाब विधानसभा हदायत करती है इन्हां कानूनों नूं किसी भी रूप में लागू ना किया जाए। नहीं इस तरह की कोई गल नहीं, कैप्टन साहब इतने मुख्यमंत्री से उन्होंने दिनों में तो बोले नहीं, साढ़े हक च कुछ भी किया उन्होंने, तो इस तरह बाहरों आके कोई यदा क्रैडिट लेना चाहे असी वह पार्ट नहीं बना। उन्होंने कहा 3-4 दिन ये मसला हल कर लिया जाएगा, मैं पहला जिस तरह कह चुका जेडे पोर्टल के उत्ते कुछ गलतियां ने वो डिपार्टमेंटल गलतियां ने आड़ती दी गलतियां ने, किसानों 3-4 दिन के क्लीयर करके पेमेंट कर दी जाऊ और जी खरीद है वो एक एक दाणा खरीद किया जाऊ। आनंदप्रीत हट जा।
सुनो जी इधर सवाल सुनो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दा जिहड़ा फैसला क्योंकि केस मैं लड़िया सी फैसला यह उहदे च लिखिया तारा जी एच आई पढ़न वालियां ने तिने उन्होंने कहा भी आ मशीनां दी इक लिस्ट है ये किसानां नूं प्रोवाइड करो फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े 2.5 एकड़ वाले ने 5 एकड़ वाले नूं उहदे ते 50% सबसिडी दो ये सारा जिदन तुसीं ये प्रोवाइड कर दोगे जे फिर उहदे बाद उह अग लाउंदे ने तां तुसीं जुर्माना करना ते मैं कहा जुर्माना करन तां तुर पए मशीनां तुसीं अज तक सप्लाई नहीं कीतियां बल्कि असीं इह वी रेज़ कीता भी तुहाडे कोल पौने 400 करोड़ रुपया भारत सरकार का सबसिडी देने वास्ते हैप्पी सीडर वगैरह जिहड़ियां मशीनां ने आया पिया तुसी हुण तक वो वंडिया नहीं हर बारी कोई बहाना हुण सीजन लंघ गया हुण अगले साल दी फिर पेंडिंग रहू साढ़े उत्ते तुसी जदे चढ़ाई कर देंदे हो तुसी अग लाई है ऐतकी तां अग लगी भी बहुत घट है पर नलायकी तां सरकार दी भी है इहदा उहनां कोल कोई जवाब नहीं उस तों बाद तां सुप्रीम कोर्ट ने किसानां दे हक च फैसला दित्ता कि सिर्फ जिहड़ी 4% है इहदा करके नहीं किसानां नूं दोषी बनाया जाणा चाहीदा प्रदूषण दा कारण तां होर नहीं ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਅੱਗ ਲਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਵਾਹੂਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਮਿਟਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 4% ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾਅ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 60,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਜੇ 60,000 ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 60,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 500 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ 1,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ 1,500 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ VDS ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵਧਾ ਤਾ 1,200 ਤੋਂ 3,800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 1,200 ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ
अगली गल है जो सरकार गिरफ्तार करू तो उसकी इच्छा फिर रोज 500 गिरफ्तारी देने जाया करेगा जे वो नहीं करेंगे तो पार्लीमेंट जाके बैठेंगे शर्मा जी केड़े सवाल का जवाब नहीं दिता करो नहीं नहीं वो ये नहीं कहते भी वो ये कह रहे पोलीटिकल पार्टियां तुम किस तरह के सवाल जो उन्होंने मैनीफेस्टो च दर्ज ने उन्होंने पूरे नहीं किए वो मुतालक सवाल किसान पुछते कोई तैयार नहीं सारे क्वेश्चन करते जिमें कांग्रेस का कोई लीडर जाऊगा उन्होंने वादा किया जो नशा है दो हफ्तों के खत्म कर देंगे अगर उन्होंने नहीं किया किन्नियां मौतां हो गईयां सवाल असीं किवें छड़ देंगे नौकरियां वाला सवाल उन्होंने किया कि हर घर नौकरी देवांगे किवें छड़ देंगे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल ने वादे किए सी उन्हां नाल करांगे जिहड़े कांग्रेस ने किए उन्हां नाल करांगे जे आप वाले करदे तां उन्हां नाल भी करांगे उदों सवाल मसला किसानी का नहीं रह जांदा जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो का सवाल होवे उह समुच्चे वोटरां लई सवाल होवे सवाल हो रहे विरोध कोई नहीं सवाल हो रहे ने विरोध ओदा कोई नहीं हो रहा धन्यवाद जी।